हेलो। हाँ भाई जतिन बात कर रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। जतिन विहार थाने का सचिव बोल रहा हूँ। आपकी कल की से लड़ाई हुई है आपके शोरूम के बाहर? हाँ जी लड़ाई हुई थी। आपकी तरफ से कंप्लेंट है, उसकी तरफ से भी कंप्लेंट है। मैंने उससे बात करी, आप बताओ क्या बात हुई है। अरे सर उसकी कंप्लेंट छोड़ो साला, मुझे मिल गया ना अगर बहन इतना मारूंगा। हुआ क्या था ये बताओ मेरे को। डॉन बंदा साला गला भाई यहीं लगाऊंगा, तो बात होती मारूंगा खानदान को मारूंगा साला। भाई बीच में बाहर लगाया साला चला गया, कस्टमर खराब करके चला गया। मेरी बात सुनेगा तू भाई? गाड़ी वाड़ी तो दे मत और मेरी बात सुन और तमीज से बता क्या बात हुई थी। अरे सर वो बीच में बाइक लगा दिया हरा। फिर बाइक लगा दी फिर अपने से कर रहा कि यहीं लगाऊंगा गाड़ी, जोटा ना हटा ले तेरे ना हटा ले। हाँ तो उस तो भट्टू बैठे हैं यहाँ पे चूड़िया पहने के साले, हम हमें को देखे चला देगा हमारे एरिया में। अब भाई यहाँ के बात करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ जी सर आ जाऊंगा। वो क्या था उसके बाप से बात कर लूंगा। उसके बाप से ही बात कर रहा भाई तू? हाँ कर है भाई, उसके बाप से ही बात कर रहा है। तेरी सनी से लड़ाई हुई थी ना, मेरा बेटा है, मैं थाने का एसएचओ बोल रहा हूँ। अब बता क्या बात हुई है। वो आया था उसने बाइक ना यहाँ बीच में लगा दी थी, तो मैंने कहा भाई साइड साइड कर लो। हाँ। कस्टमर आते मेरे यहाँ पे, तो फिर क्या हुआ उसके आगे? कि नहीं मैं यहाँ लगाऊंगा 10 मिनट मारूं। बताओ सर, मैं तो तमीज से बात कर रहा था, फिर वही गाली गलौज करने लगे। पहले बता रहा था वो, बता क्या क्या बात हुई। अंकल जी थोड़ी कुछ नहीं कह रहा था, वो तो ऐसी लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी बस। वो आपस में होता ना एक ही खून है सर, वो मेरी एज का ही था, तो थोड़ी सी वो गर्म गर्म वो हो गई बहस। सारी इसकी गलती है, इसके मेरे बेटे की गलती है। गलती किसी, गलती मेरी भी थी। जब वो गुस्सा मैं भी मैंने कुछ बोला ऐसे कोई, वो फालतू में मारना शुरू कर देगा मुझे। भाई एक काम कर, सनी को बुला के ला, मेरा बेटा है तो क्या है, कानून कानून होता है। और जो गाड़ी वाड़ी दी है इसने, जितनी गाड़ियां दी है पीसीआर भेज और उसको बुला अदालत में। अंकल समझो, कसम अंकल कुछ नहीं हुआ था, बस वो है ना बस। हेलो अंकल प्लीज मेरी बात समझो। मेरी बात सुनिए सर। अंकल ललित मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो और मुझे तुम्हारे ही दोस्त ने बताया था कि तुम्हारी कल किसी से लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। एक तो कान पकड़ लो, कभी लड़ाई नहीं करोगे। हाँ खामखा किसी से नाइंसाफी में नहीं दबोगे, लेकिन किसी से खामखा लड़ाई नहीं करोगे। ललित मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। कुकड़ू को बोल सकते हो, इतना दम है।